हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोबाइल अंडर 10,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से बेस्ट 5 मोबाइल हैं जो आपको 10,000 रुपये या उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ ही उनके क्या हाईलाइट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या रेट एंड रिव्यू है, उनके कैमरे के बारे में, बैटरी के बारे में, पूरा स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बेस्ट मोबाइल परचेस करने में हेल्पफुल रहेगी अंडर 10,000। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला मोबाइल है इन्फिनिक्स हॉट 9। फ्रेंड्स, इसकी जो रेंज है वो है 9,499 रुपये, मतलब 9,500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और बात करें इसकी कुछ हाईलाइट्स की, तो इसमें आपको मिलेगा 4 GB रैम, 64 GB रोम, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 250 GB तक। साथ ही इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 6.6 इंच की HD डिस्प्ले, जो कि काफ़ी लार्ज होने वाली है। साथ ही बात करें इसमें आपको मिलेंगे 3 कैमरा बैक साइड, जिसमें प्राइमरी कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का और आपका डेप्थ कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का, और साथ ही एक मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का। साथ में आपको एक लो लाइट सेंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 5000 mAh की लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरी। दोस्तों, बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, बात करें इसके रेट एंड रिव्यू की तो इस मोबाइल को मिले हैं 5 में से 4.5, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, ओवरऑल काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग हुई है। हम इस मोबाइल से लिए गए कुछ पिक्स को देख लेते हैं, जो इसके कैमरे की क्वालिटी को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बैक कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मोबाइल का लुक तो काफ़ी अच्छा ही है, साथ में इसका जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, बात करें इसकी सिक्योरिटी की, जिसमें आपको मिलेगा बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, और फ्रेंड्स इसके फ्रंट में भी आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल फ्रेंड्स, मोबाइल का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये मोबाइल आपको दो वेरियंट में देखने के लिए मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपका ओशियन वेव में और एक मिल जाएगा वॉलेट में। दोनों मोबाइल की लुक काफ़ी ही अच्छे हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसको बुक कर सकते हैं इसकी नेक्स्ट सेल में। बात करें नेक्स्ट फ़ोन है हमारा टेक्नो स्पार्क पावर 2, जिसकी रेंज है 9,999। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं टेक्नो ने, जैसे कि हम इसके हाईलाइट देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा 4 GB रैम, 64 GB रोम, साथ ही जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 250 GB तक। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें ओवरऑल 7 इंच HD डिस्प्ले आपको प्रोवाइड की जा रही है। वही बात करें बैक कैमरे की तो इसमें आपको 4 कैमरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा, जिसे हम प्राइमरी कैमरा कहते हैं, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, साथ ही एक AL लेंस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 16 मेगापिक्सल का पावरफुल फ्रंट कैमरा। फ्रेंड्स, बैटरी की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है 6000 mAh की पावरफुल बैटरी, जो कि फ्रेंड्स ओवरऑल 10,000 रुपये में काफ़ी लॉन्ग है। और फ्रेंड्स, बात करें प्रोसेसर की तो इसमें भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मीडियाटेक हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और साथ ही एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की जा रही है कि इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग चार्जर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल 10,000 रुपये में बेस्ट एवर फोन है ये टेक्नो की तरफ से। बात कर लें कुछ सिक्योरिटी की तो इसमें आपको मिलेगा बैक साइड फिंगरप्रिंट, और साथ में आपको मिलेगा फ्रंट में फेस अनलॉक की फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुकिंग है इस फोन का, और ये भी आपको मिलेगा दो वेरिएंट में देखने के लिए, इसी कलर में और एक मिल जाएगा आपको, दूसरा आपको मिल जाएगा मिस्ट्री ग्रे में। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अब बात कर लें इसके रेट एंड रिव्यू की, तो फ्रेंड्स इसके काफ़ी अच्छी रेटिंग हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मिले हैं 5 में से 4.4%, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिएक्शन है इसका। अब हम देख लेते हैं इस फोन से ली गई कुछ पिक्स इस कैमरे के बारे में आपको क्लियरली बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्राइमरी कैमरा इस घर की पिक, ये काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बैक लुकिंग भी इसका अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है। सकते हैं कि 10,000 रुपये में टेक्नो ने एक बेस्ट एवर फोन प्रेजेंट किया है कस्टमर के लिए, जो इसकी सेल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट फोन है मोटोरोला G8 पावर लाइट, जो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 9,999 रुपये में। और फ्रेंड्स, बात करें इसके हाईलाइट की तो इसमें आपको मिलने वाला है 4 GB रैम, 64 GB रोम, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 250 GB तक। हम बात करें इसमें आपको मिलने वाली 6.5 इंच की HD डिस्प्ले, साथ ही अगर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 3 कैमरे, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपका होगा 16 मेगापिक्सल का, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको माइक्रो कैमरा। साथ ही फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिली जा रही है 5000 mAh की पावरफुल लिथियम आयन बैटरी। साथ ही अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मीडियाटेक
P35 प्रोसेसर। ओवरऑल 10,000 रुपये में ये बेस्ट एवर फ़ोन है। अब बात कर लें इसके रेट एंड रिव्यू की, तो इसको मिले हैं 5 में से 4.4। और फ्रेंड्स अब इस मोबाइल से लिए गए कुछ पिक्स हम देख लेते हैं जो इसके कैमरे की क्वालिटी को क्लियरली दर्शाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका बैक कैमरा है और ये जो पिक इससे ली गई है काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। इसमें कहीं भी आपको लग नहीं रहा है कि ये 16 मेगापिक्सल का है, बाकी उससे ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रेंड्स ओवरऑल मोबाइल का लुकिंग भी काफ़ी ग्रेट है, तो आप कह सकते हैं कि 10,000 रुपये में एवर मोटोरोला की तरफ से ये बेस्ट एवर फोन है। हम बात कर लें इसके नेक्स्ट सेल की, तो इसकी नेक्स्ट सेल होने वाली है अगस्त दोपहर 12 बजे ओनली और फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आपको ये फ़ोन बुक करना है तो आप फ्लिपकार्ट पर 12 बजे ऑनलाइन हो जाएं 13 अगस्त को। तो फ्रेंड्स मोटोरोला की तरफ से ये पहली बार हुआ है कि 10,000 रुपये में उन्होंने इतना अच्छा बेस्ट फ़ोन एवर निकाला है। दोस्तों अगला फ़ोन है रेडमी MI 9 Prime। तो फ्रेंड्स MI ने ये नया लॉन्च किया है वेरियंट 10,000 रुपये में, काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग है और फ्रेंड्स काफ़ी सारी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसको ये आपको मिलेगा 9,999 रुपये में। और इसकी नेक्स्ट सेल की बात करें तो वो है 17 अगस्त 12 बजे ओनली ऑन Amazon। बात करें इसके कुछ हाइलाइट्स की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा अल्ट्रा वाइड और पोर्ट्रेट मोड के साथ। इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर इसकी बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलेगी 6.53 इंच की लार्ज डिस्प्ले, वो भी फुल HD। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी मेमोरी की, तो इसमें आपको मिलेगा 4GB RAM 64GB ROM जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 512GB तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स आपको इसमें मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें आप दो नैनो से डाल सकते हैं और एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ओवरऑल 10,000 रुपये में ये बेस्ट एवर फ़ोन है MI की तरफ से। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड 10 पर बेस रहेगा जो कि काफ़ी एडवांस है और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली ऑन 10,000 रुपीज़ में। बेस्ट एवर फ़ोन अगर आपको परचेस करना है तो उसमें से ये एक हो सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेस्ट फ़ोन की जो आपको परचेस करना ही चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको 5 फ़ोन दिखाए हैं उसमें से मेरे हिसाब से बेस्ट एवर तो रियलमी नार्जो 10 ही है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी रेंज है 9,999 रुपये में और इसकी नेक्स्ट सेल होने वाली है 14 अगस्त दोपहर 12 बजे ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। तो फ्रेंड्स बात करें इसके कुछ हाईलाइट की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 4GB RAM 64GB ROM इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी 250GB तक। साथ में अगर इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको मिलने वाली है 5.3 इंच की HD डिस्प्ले जो कि काफ़ी लार्ज होने वाली है। वहीं अगर कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको मिलने वाला है प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। साथ ही अगर माइक्रो कैमरे की बात करें तो 2 मेगापिक्सल का। साथ ही अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, तो आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और वहीं बैटरी की बात करें, तो आपको इसमें मिलने वाली है 5000 mAh की लिथियम बैटरी। साथ ही अगर फ्रेंड्स बात करें इसके प्रोसेसर की, तो मीडिया टेक हीलियो G70 प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसकी रेट एंड रिव्यू। फ्रेंड्स इस फोन को मिले हैं 5 में से 4.5 जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसमें हम कुछ पिक्स देख लेते हैं जो इस मोबाइल से खींची गई हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मोबाइल की कैमरे की क्या क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी अच्छा इसका बैक कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड है, तो ओवरऑल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये फ़ोन होने वाला है। और अब बात कर लें इसकी कुछ कलर वेरियंट की, तो ये आपको 2 कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। एक मिलेगा आपको फ्रेंड्स ब्लू में, एक मिलेगा आपको वाइट में, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। साथ ही कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर लें, तो इसमें आपको मिलने वाला है फिंगरप्रिंट जो कि 0.27 सेकंड में आपको मोबाइल को अनलॉक कर देगा। साथ ही फ्रेंड्स इस मोबाइल में एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की जा रही है कि ये रिवर्स चार्जिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज है तो आप इस मोबाइल से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने टॉप 5 मोबाइल देखे हैं, उसमें से मेरे ओपिनियन में रेडमी 9 प्राइम ही बेस्ट एवर लगा है, जिसमें आपको लार्ज कैमरा मिल रहा है, साथ ही आपको बैटरी और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सभी फ़ोन अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, आपके हिसाब से बेस्ट एवर फोन कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर किसी भी फोन को आप बुक करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका कि आप उसके सेल में उसको जरूर ट्राई करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो को यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कैसे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।